दो बजे की एक सूचना थी कि तहसील परिसर में एक अधिवक्ता के चैम्बर जो 95 चैम्बर 95 के अंदर एक मोनू और मनोज चौधरी नाम के अधिवक्ता को गोली मारकर हमला किया गया है। मौके पर तुरंत पहुंच के पुलिस ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड कर दिया है। मौके की जो स्थिति ये थी कि उनके अंदर जो काफी कुछ मतलब खून और सब पड़ा हुआ था, तो वहां पे कई विटनेस मनीष त्यागी जी मिले थे और इसी घटनास्थल को हम लोगों ने सील करके तमाम सबूत इकट्ठे किए हैं। शुरुआती तौर पर लोगों का कहना है कि कुछ लोग मूड ऑफ के आए हैं, कोई बता रहा था दो, कोई बता रहा था तीन, तो उसके बाद हमला करके चले गए और इसके बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग अलग अलग टीम्स बना के काफी सीसीटीवी कंगालने के बाद गवाहों को कॉन्फिडेंस में लेके पूछताछ करने को उपरांत ये पता चला है मोनू उर्फ मनोज चौधरी की जो हत्या है ये प्री प्लान्ड तरीके से उनका जीजा और जीजा के छोटे भाई और उनके दोस्त, इन तीनों ने मिलके एक दिन पहले से प्लानिंग के तहत अपना ये घटना के कारित किया है। घटना के दिन, घटना से पहले ठीक 15 मिनट पहले अपने फादर के नाम के ब्रेजा गाड़ी जो डार्क ग्रे रंग की है उसमें तीनों तहसील परिसर में आए हैं। तहसील परिसर के बाहर गाड़ी खड़ी की है और तीनों गए हैं और चैम्बर के अंदर जो नितिन डागर नाम के व्यक्ति है जो अमित डागर के छोटा भाई है, जो अमित डागर है मृतक की जीजा है, उनके बड़ी बहन की पति है, तो अंदर घुसा है और अवैध असला कट्टे से उनको कनपट्टी में लगा के गोली मारा है और तुरंत वहां से तीनों बाहर निकल गए। पूछताछ के दौरान और भी तमाम की दो लोग बाहर खड़े हो गए, एक व्यक्ति अंदर घुस के गोली मारा है और असला जो घटना में प्रयुक्त असला भी बरामद की गई है, घटना में प्रयुक्त गाड़ियां भी बरामद की है और घटना के बाद फिर अन्य जो गाड़ी से ये लोग घूम रहे थे पुलिस से बचने के लिए वो गाड़ी भी बरामद किया है। इसके अलावा ये घटना के जो बैकग्राउंड में ये पता चला कि मोनू चौधरी की बड़ी बहन है सरिता चौधरी, इनकी शादी 2002 में अमित डागर नाम के व्यक्ति के साथ हुआ है। अमित डागर भी पेशे से अधिवक्ता है और उनके जो चैम्बर है वो नोएडा में है और उनके छोटे भाई है नितिन डागर, वो इसी तहसील परिसर में उनके चैम्बर भी है। अमित डागर की शादी सरिता से जो हुई है वो उसके शादी में काफी सारे प्रॉब्लम्स हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस की मुकदमा भी इससे पूर्व दर्ज किया गया कबीनगर थाने में। मुकदमा उपरांत बहन मृतक की बहन है वो अपने ही घर में मायके में आकर रहने लगी है, इनकी दो बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी एक छोटा बेटा है। बेटी माँ के साथ रहती थी मायके में यानी ननियाल में, बेटा जो है अपने फादर के साथ रहता है। इस बीच में प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद हुआ है, जो अमित डागर है अपनी वाइफ के नाम से दो प्रॉपर्टी 2012 और 2016 में खरीदा है। 2012 में और 16 में एक फ्लैट और एक मकान, फ्लैट जो है चिरंजीवी विहार में और मकान दुहाई में खरीदा है जो कि दोनों की कीमत लाखों में है। तो इस दोनों प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सरिता चौधरी और उनके भाई मोनू चौधरी प्रयास कर रहे थे जिसका विरोध अमित डागर के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा रक्षाबंधन में अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए अमित डागर ने बोला भी था ताकि रक्षाबंधन अपने भाई के हाथ बहन राखी बांध सके। इन चीजों को लेकर पहले से विवाद था और घटना के एक दिन पहले भी इस बात को लेके इन्होंने मैसेज भी किया और संभवतः कॉल भी किया जो पुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, हम पुष्ट कर देंगे, बट ये चीजें पहले से हुई है। और कल इस मौके को फायदा उठाकर इन लोगों ने कल रात भर प्लानिंग बनाई और सीधा 1:45 के आसपास तहसील परिसर में अपने फादर के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी है वो से आए हैं और तीन लोग उतरे थे जिसमें अमित डागर भी थे, उनके छोटे भाई नितिन जिन्होंने गोली मारा वो भी थे और उनके सहयोग में एक अनुज उर्फ पालू ये थे। ये तीनों गए हैं और दो लोग बाहर खड़े हो जा रहे हैं, अंदर नितिन डागर उसके घटना अंजाम दिया है और वापस आके ये तीनों मिलके भाग गए। तो यही घटनाक्रम है और तीनों पुलिस की हिरासत में गिरफ्त में आ गए हैं
और जिस गाड़ी से भाग भी रहे थे वो सेंट्रो कार है, वो भी हिरासत मतलब उसमें उसको भी ले लिया गया है, कब्जे में ले लिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम है। इसमें प्योरली व्यक्तिगत पारिवारिक रंजिश के अलावा और कोई रीजंस नहीं है। देखिए मनोज ही अकेला उसके घर में आदमी के रूप में थे, और क्योंकि उसके फादर भी नहीं थे। मनोज चौधरी के फादर यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे और यहीं तैनात भी रहे हैं, और उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मनोज चौधरी की था। तो अपने बहनों को जो भी देखभाल करना, शादी कराना, उनकी सारे जो कुछ भी मदद करना, सरिता चौधरी की पूरी तरह से साथ मनोज चौधरी दे रहा था। तो इस वजह से ये इनको पहले इन्होंने हमला किया। रक्षाबंधन से ठीक पहले वाला दिन क्यों चुना गया? देखिए इसमें बहुत सारे चीजें इन लोगों ने प्लानिंग की, पहले भी प्लानिंग की, और कुछ एक लेवल तक इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी बढ़ता जा रहा था। और उसमें मेन बात यह है कि जिस दोनों प्रॉपर्टी को मनोज और उनके बहन ने बेचना चाहा, और लगातार ग्राहक आ रहे थे उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, बार बार इनके आपस में इस बात को लेके तनाव हो रहा था। एक तनाव एक चीज का जो तनाव हायर अपर लिमिट में पहुंचने के बाद इन लोगों ने प्लानिंग बनाया, और ये प्री प्लान तरीके से किया है, सो दैट लाइक आज इसका मौका था, कोई ज्यादा नहीं होंगे, ये अकेले मिल जाएगा। और रक्षाबंधन का एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि बेटी को भेजो, तो इस बात को ले भी विवाद हो गया था। अपने बेटी को घर ले जाना चाह रहे थे, मना कर रहे थे, एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। SMS भी हुआ है, फोन कॉल्स के बारे में और हम लोग तय करेंगे।